गुल्ली बुल्ली आज अपने घर से दूर कहीं घूमने जा रही हैं। बुल्ली पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ है और गुल्ली अंदर अपना बैग लेने गया हुआ है। गुल्ली गुल्ली को आवाज लगाता है और कहता है, गुल्ली जल्दी करो, हमें स्टेशन टाइम पर पहुंचना है और रास्ते में हमें शॉन को भी लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए। इतने में ही गुल्ली आ जाता है और कहता है, बुल्ली शॉन का फोन आया था, वो पूरा तैयार हो चुका है, चलो अब जल्दी से चलकर शॉन को ले लेते हैं और सीधे स्टेशन पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन के घर की तरफ निकल जाती हैं। और इधर शॉन अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और रोड की तरफ ही देखे जा रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर अकेले ही ना चले जाए। तभी शॉन को सामने से आती हुई गुल्ली बुल्ली की गाड़ी दिखाई देती है और शॉन फौरन बालकनी से उतरकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या, शॉन के पास तो काफी सारा सामान है, लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों लाया है? गुल्ली बुल्ली तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही घूमने जा रहे हैं। गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन ये इतना सारा सामान किसका है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी चल रहा है? शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, ये सारा सामान मेरा ही है। एक बैग में मेरे टोपे भरे हुए हैं और एक में स्वेटर है और इसमें बचा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी कर ली है। अगर तुम लोगों को भी स्वेटर चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। गुल्ली कहता है, बहुत अच्छे शॉन, इसीलिए तो हम तुम्हें हर बार अपने साथ ले जाते हैं। अगर शॉन हो साथ तो डरने की क्या बात, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। गुल्ली गाड़ी को साइड में रोक देता है और गुल्ली और शॉन अपना अपना सामान गाड़ी में से उतार लेते हैं। गुल्ली कहता है, तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के लिए चला जाता है और गुल्ली और शॉन स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन पर आते ही गुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाती हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही गुल्ली गाड़ी को पार्क करके आ जाता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो, ट्रेन तो इस तरफ से आने वाली है और वो देखो ट्रेन आ भी गई है। ट्रेन को आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाती हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। ट्रेन के रुकते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। ट्रेन में काफी कम लोग हैं इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन को आराम से जगह मिल जाती है और ये तीनों पास वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल देती है। गुल्ली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अखबार पढ़ने में लगा हुआ है। गुल्ली इस आदमी को ही देखे जा रहा है क्योंकि इसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो जैब द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया? लेकिन जैब द किलर तो गुल्ली बुल्ली को जानता भी नहीं है और ना ही गुल्ली बुल्ली जैब द किलर को जानती है, फिर आखिर जैब यहाँ पर करने के आया है? गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जैब का चेहरा देखते हैं तो ये और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जैब का चेहरा काफी डरावना लग रहा है और इसके सारे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। तभी जैब अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर किसी आदमी का फोटो देखने लगता है
लेकिन जैफ इस आदमी का फोटो क्यों देख रहा है? कहीं जैफ इस आदमी को इसी ट्रेन पर मारने तो नहीं आया है? तभी बुल्ली शॉन को एक इशारा करता है और शॉन फौरन ही समझ जाता है कि बुल्ली शॉन को जैफ के मोबाइल में देखने के लिए कह रहा है, और फिर शॉन जैफ के मोबाइल में झांकने लगता है। लेकिन तभी जैफ अपना मोबाइल बंद कर देता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है। जैफ के यहाँ से जाते ही बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन क्या हुआ, वो आदमी मोबाइल पर क्या कर रहा था? शॉन बताता है, बुल्ली शायद वो किसी का फोटो देख रहा था। तभी गुल्ली कहता है, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो 2-3 लोगों को पहले ही मार चुका है। चलो बुल्ली चलकर उसे देखते हैं। शॉन तुम यहीं बैठकर सारा सामान देखते रहना। बुल्ली बुल्ली जैफ को देखने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर जैफ करने क्या गया है। अरे ये क्या, जैफ ने तो इस आदमी को मार दिया है जिसकी ये कुछ देर पहले मोबाइल पर फोटो देख रहा था। इसका मतलब जैफ इस आदमी को ही यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन गुल्ली बुल्ली ने जैफ को ऐसा करते हुए देख लिया है। जैफ जब पीछे मुड़ता है तो ये गुल्ली बुल्ली को देख लेता है और ये फौरन गुल्ली बुल्ली की तरफ दौड़ता है। गुल्ली बुल्ली जब जैफ को आता देखते हैं तो ये भी जैफ से बचकर भागने लगती हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने जैफ को खून करते हुए देख लिया है, इसीलिए अब जैफ गुल्ली बुल्ली को भी मार कर ही रहेगा, क्योंकि जैफ अपने किए गए कामों का एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। इधर शॉन जब गुल्ली बुल्ली के पीछे जैफ का किलर को आता हुआ देखता है तो शॉन भी गुल्ली बुल्ली के साथ भागने लगता है। अरे ये क्या, आगे तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं और जैफ द किलर भी बिल्कुल गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास में ही आ चुका है। शायद अब जैफ इन तीनों को भी मार देगा। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या जैफ द किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मार देगा या फिर ये किसी तरीके से बच जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।